लास्ट हम लोग गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट हम लोग अर्थ वॉल्केनोज के बारे में पढ़ रहे थे। वॉल्केनोज का वर्ल्ड जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमने कर लिया था। अभी इस वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने लास्ट देखा था उससे रिलेटेड आप एक मैप आपको मैं भी स्क्रीन के ऊपर दिखा रही हूँ, जिसमें था तुम्हारा मिड अटलांटिक जो रिज है, ठीक है, ये आपका अटलांटिक ओशन है, ये एशिया, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया, और ये आपका है अटलांटिक। तो अटलांटिक में यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो है मिड अटलांटिक रिज, ठीक है। तो यहाँ पे दो ओशनिक प्लेट्स जो है, टू ओशनिक प्लेट्स आर कोलाइडिंग ईच अदर, ठीक है। दो आपके जो महासागरीय परतें हैं वो एक दूसरे से टकरा रही हैं, जिस वजह से वहाँ पे आपको ज्वालामुखी जो है वो देखने के लिए मिलते हैं, राइट। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द मैकेनिज्म्स, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ द वोल्केनिज्म, ये जो वोल्केनिज्म हो रहा है उसके कॉजेस क्या है। जैसे कि हमने पहले कहते हैं इसके बारे में डिस्कस कर लिया कि मेनली जनरली जो भी वीकर जोन होते हैं, कमजोर जो क्षेत्र होते हैं, वहां पे ही आपको वॉल्केनिक इरप्शंस देखने के लिए मिलते हैं, वहीं पे आपको ज्वालामुखी प्रस्फोटन देखने के लिए मिलते हैं। और ये जनरली वीकर जोन कौन से हो सकते हैं, जहाँ पे आइदर तो जो दो जो प्लेट टेक्टोनिक्स के अंदर जो दो प्लेट्स हैं, या तो वो एक दूसरे के अंदर आपके उसका डिस्ट्रक्शन हमें देखने के लिए मिलता है, या फिर वो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, या आपको डाइवर्जेंस देखने के लिए मिलता है। डाइवर्जेंस प्लेट जो है ये कौन सी है, रचनात्मक प्लेट ना किनारा, और आपके जो कन्वर्जेंस प्लेट हैं जो आमने सामने एक दूसरे से टकराती हैं, ये हैं आपके डिस्ट्रक्टिव प्लेट्स, ठीक है। तो इन रीजन्स में ही हमें मेनली जो वोल्केनिज्म है आपके ज्वालामुखी प्रस्फोटन की जो प्रक्रिया है वो देखने के लिए मिलती है। इस मैकेनिज्म के अंदर जो रिस्पॉन्सिबल कई सारे प्रोसेसेस हैं वो हम देख लेते हैं इसके अंदर। सबसे पहला प्रोसेस है, जैसे ही हम हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, ठीक है, वैसे वैसे तापमान की वृद्धि होती जाती है। विद द इंक्रीज ऑफ द डेप्थ देयर इज अ राइज इन द टेम्परेचर, ठीक है। हाउ मच, विद 32 मीटर्स ऑफ द डेप्थ ऑलमोस्ट 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइजेस, ठीक है। इट मीन्स जितना ज्यादा आप नीचे जाएंगे उतने ज्यादा आपको तापमान की बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। क्यों, अब ये कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं सतह से क्यों तापमान बढ़ता जाता है, क्योंकि अंदर आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिलने की वजह से डीपर जो पार्ट है वहां पे तापमान बढ़ जाता है। दूसरा जो प्रोसेस है वो ओरिजिन ऑफ मैग्मा का, वो ये है कि लोअरिंग ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, आपके पिघलने का जो बिंदु है, ठीक है, वो कम हो जाता है। ऐसा कब होता है, जब आपके हमें खास करके रचनात्मक प्लेट का किनारा जब हम देखें, ये कोई भी दो जो प्लेट्स हैं कंस्ट्रक्टिव प्लेट्स, जब हम देखते हैं दो प्लेट्स एक दूसरे से जब दूर जा रही हैं, डाइवर्जेंस प्लेट्स अब जब देखते हैं, तो इन डाइवर्जेंस प्लेट्स में या फिर कंस्ट्रक्टिव प्लेट्स में या फिर आपके रचनात्मक प्लेट ना किनारा वाले क्षेत्र के अंदर देखें, तो ये प्लेट्स जब एक दूसरे से दूर जाती हैं तो वैसे में क्या होता है, उस सरफेस के ऊपर का जो प्रेशर है, दबाव जो है वो कम हो जाता है। प्रेशर दबाव कम होने का रीजन क्या है कि ये दूसरे एक दूसरे से जब दूर जा रहे हैं तो ऊपर एक जो लोड है, ऊपर एक जो वेट है, वो वेट रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। और ये कम होने के वजह से और ये जो लोड है, ये प्रेशर कम होने के वजह से मेल्टिंग पॉइंट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। ऐसा इवन कई सारे आपके अगर फ्रैक्चर्स आते हैं या प्लेट्स का स्प्लिटिंग अप होता है तभी भी आपको ये देखने के लिए मिलता है। थर्ड, ओरिजिन ऑफ गैसेस एंड वेपर्स, ओरिजिन ऑफ गैसेस एंड वेपर्स आपको कैसे ओरिजिनेट देखने के लिए मिलते हैं। जनरली हमें पता ही है भूजल जो है, ग्राउंड वाटर है, बारिश के वजह से या फिर आपके स्नोफॉल वगैरह के मेल्टिंग के वजह से जो भी पानी रिस करके जमीन के अंदर जाता है, ठीक है, वो ही पानी जो है बाद में जब लावा मैग्मा निकलता है तो उसके साथ वहां पे जो वो प्रेजेंट वाटर होता है वो आपके जलवाष्प के रूप में वहां पे निकल जाता है, हमें जलवाष्प के रूप में वो देखने के लिए मिलता है, ठीक है, या अन्य दूसरी जो गैसें बन जाती हैं उन गैसों के रूप में हमें वो देखने के लिए मिलता है। चौथा है तुम्हारा कि जब भी ये
लावा मैग्मा निकलता है तो इसके साथ वॉल्यूम ऑफ गैसेस हम देखें, गैसेस की मात्रा देखें या वेपर्स की मात्रा देखें, जलवाष्प की मात्रा देखें, तो वो ज्यादा होती है। करीब कल हमने बात की थी जो जो कंपोनेंट्स निकल रहे हैं, अराउंड 75% तक, 75% तक हमें ये देखने के लिए मिलते हैं। और खास करके आपके जब एक्सप्लोजिव टाइप, सेंट्रल टाइप ऑफ जो एक्टिविटीज हमें देखने के लिए मिलेंगी, तो उसमें आपको जनरली ये ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। अभी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंदर जो हमने मिड ओशनिक रिच की बात की थी, उसका एक एग्जांपल हम देखते हैं, बहुत अच्छे से हमें उसका एग्जांपल जो है ये देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको ये जो फिगर 9.5 के अंदर आप देखेंगे क्या है यहाँ पे, ये दो ओशनिक प्लेट्स हैं, ठीक है, दो महासागरीय ही प्लेटें हैं। ये महासागरीय प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, यानी कि क्या है आपका डाइवर्जेंस हो रहा है यहाँ पे, या फिर हम इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव प्लेट्स, या फिर आपको रचनात्मक प्लेट ना किनारा। तो ऐसे में जब ये एक दूसरे से दूर जाएंगी, तब नीचे जो आपको लावा मैग्मा मिल रहा है, ठीक है, वो द्रव्य रूप के अंदर है, वो उसको जगह मिल जाएगी, एक तरीके से उसके ऊपर का जो प्रेशर है वो रिलीज हो जाएगा, उसके ऊपर का एक लोड जो है वो रिलीज हो जाएगा, इस वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, और वो बहुत इजीली जो है ऊपर आपके राइज कर जाएगा और ऊपर बाहर निकलने लग जाएगा। और जैसे ही जब ये बाहर निकल रहा है, ठीक है, ये प्रेशर रिड्यूस होने में, तो ये एक डिपेंड करता है कि कैसा लावा मैग्मा है, उसके अकॉर्डिंग एक कोण बनाते हुए इसका प्रवाह जो है हमें बाहर की तरफ देखने के लिए मिलेगा। तो ये एक नॉर्मल जो सेम ऐसा ही आपको डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज के पास देखने के लिए मिलता है, जब दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, ठीक है, फ्रैक्चर्स आते हैं, फॉल्टिंग, फोल्डिंग जैसे और दूसरे प्रोसेसेस होते हैं, तभी भी हमें इस टाइप की कंडीशन देखने के लिए मिलती है। अब हम बात करेंगे हैजार्डस इफेक्ट्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन की। ये जो ज्वालामुखी प्रस्फोटन होते हैं, हैजार्ड है जैसे हमने बात किया, तो इस हैजार्ड का क्या प्रभाव क्या पड़ रहा है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एज अ बड़े क्वेश्चन के रूप में आपसे जनरली पूछा जाता है। तो इसका प्रभाव हम देखें तो मेनली जो इसका प्रभाव हमें जब लावा मैग्मा निकलता है, तो वहां पे अगर कोई ह्यूमन सेटलमेंट है, आपके ह्यूमन स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि बिल्डिंग्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, रोड्स हैं, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, डैम्स या रिजर्वॉयर्स हैं, वहां पे हॉट लावा मैग्मा आ करके इकट्ठा हो जाएगा, तो ऑब्वियसली उन स्ट्रक्चर्स को उनको डैमेज पहुंचाएगा, राइट। जनरली हम देखते हैं कि ह्यूज क्वांटिटी के अंदर जब लावा मैग्मा निकलता है, जैसे कि और खास करके अगर वो बहुत ज्यादा फास्ट कहते हैं निकल रहा है, उसकी स्पीड अगर बहुत ज्यादा, बहुत तेज गति से निकल रहा है, जैसे कि अराउंड 48 किलोमीटर पर आर की स्पीड से आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो फिर वो ह्यूमन स्ट्रक्चर्स को या लोगों को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। एनिमल्स हैं वहाँ पे, एग्रीकल्चर फार्म्स हैं, इवन पास्चर लैंड्स हैं आपके, या रिवर, लेक्स, कोई भी वाटर बॉडीज अगर हैं, तो उसको बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय, हमें उसका डिस्ट्रक्शन देखने के लिए मिलता है। जैसे कि हवाई द्वीप पे हम माउंट लियो को देखेंगे, तो उसके द्वारा जो किया गया डिस्ट्रक्शन है, उस वजह से अराउंड 15 एग्रीकल्चर फार्म्स वहाँ के डिस्ट्रॉय हो गए, और आइसलैंड का अराउंड 24% तक जो पॉपुलेशन है वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये सब इम्पैक्ट इसके हमें देखने के लिए मिलते हैं। दूसरा जो है, जब लावा मैग्मा निकलता है, ठीक है, तो इसमें से कई बहुत सारे मटेरियल निकलते हैं, जब आपका एक ज्वालामुखी प्रस्फोटन होता है, डस्ट, ऐश, स्मोक्स, ठीक है, ये सब आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये जो डस्ट, स्मोक, ऐश निकलने की वजह से वहाँ के वेजिटेशन को, बिल्डिंग्स को, और इवन वहाँ के नेचुरल ड्रेनेज, हेल्थ हजार्ड भी हमें देखने के लिए मिलता है। उस वजह से अगर उससे निकलने वाली गैसेस पॉइजनस हैं, खास करके अगर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस एक पॉइजनस गैस होती है, तो वो गैस अगर एटमोसफेयर में बहुत ज्यादा लंबे समय तक रहती है, तो वहाँ पे मिलने वाली जो नेचुरल वेजिटेशन है, कुदरती वनस्पति जो हमें मिल रही है, वहाँ पे मिलने वाले जो पेड़ पौधे हैं, उनका नुकसान हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इवन इस वजह से ये जो कहते हैं गैसेस निकलती हैं, और कहते हैं इवन आपके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी निकलती है, सल्फाइड गैस भी निकलती है, ये बाद में जब क्लाउड फॉर्मेशन जो होता है, बादल जब बनते हैं, तो बादल के अंदर भी जब ये जमा हो जाते हैं, उसके अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, तो बाद में ये एसिड ड्रेन के रूप में आपको अमल वर्षा के रूप में देखने के लिए मिलते हैं, जिसका भी हमें पता है
कि अम्ल वर्षा अगर होती है, एसिड रेन होती है, तो उसका भी वातावरण के ऊपर हमें प्रभाव देखने के लिए मिलता है। वहाँ पे मिलने वाले जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, एग्रीकल्चर है, वेजिटेशन है, उनके ऊपर इसका प्रभाव हमें देखने के लिए मिलता है। तो काफी सारे जो लॉसेस हैं, ठीक है, वो आपको वॉल्केनिक इरप्शन से देखने के लिए मिलते हैं। और इस तरीके के जब एसिड्स और डस्ट वगैरह निकलते हैं, तो इवन कई बार ये होता है कि आपका विजिबिलिटी रिड्यूस हो जाता है। तो वैसे में वहाँ से जाने वाले अगर प्लेन्स वगैरह हैं, तो उनको भी जो नुकसान है हमें देखने के लिए मिलता है। ऐसे ही एक और एक बहुत बड़ा नुकसान है और वॉल्केनोज की वजह से, वो ये है, वॉल्केनिक इरप्शन होने की वजह से वहाँ की जो जमीन है उसमें एक अस्थिरता आ जाती है, एक हलचल देखने के लिए मिलती है, जिस वजह से वो अर्थक्वेक्स को जन्म देती है। वहाँ पे आपको धरती कंप जो है वो भी, उनकी उत्पत्ति भी देखने के लिए मिलती है। और ये धरती कंप जो है, अगर ये समुद्री भाग में होंगे, कोई दरियाई भाग में होंगे, इफ सच टाइप ऑफ अर्थक्वेक्स आर ओरिजिनेटिंग इन एनी ऑफ द ओशंस, देन सुनामी जो वेव्स हैं वो क्रिएट हो जाएंगी। और सुनामी वेव्स काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है, जिसके बारे में भी हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। और इस तरीके के वोल्केनिक इरप्शंस के द्वारा जो एटमॉस्फेयर के अंदर एशेज इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर के अंदर एस्बेस्टोस का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, जिस वजह से एयर पोल्यूशन जैसी प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिलती है। साथ ही साथ आपके जो सूरज से आने वाली जो किरणें हैं, विकिरण है, ठीक है, जो भी आपको रेडिएशन आ रही हैं, उन उनसे आने वाला जो ताप है, वो इन छोटे छोटे ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये एस्बेस्टोस हैं, उनके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिससे वातावरण जो है, वातावरण को गर्म होना, उसके ताप वृद्धि जो है, जैसी सिचुएशंस हमें देखने के लिए मिलती है। तो एक तरीके से टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज करने में भी वॉल्केनिक इरप्शन का एक बहुत मेजर जो है, बहुत बड़ा रोल हमें देखने के लिए मिलता है। और यही इस ये जो रीजन है, इसका बेसिस इवन माना जाता है कि हम हमें पता है कि जैसे हमारे हिस्ट्री के अंदर पहले डायनासोर्स वगैरह हुआ करते थे, ठीक है, तो ये आज से जो 60 मिलियन पहले जो डायनासोर्स जो है वो खत्म हो गए, उसका एक मेन रीजन ये भी माना जाता है क्योंकि उस टाइम पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज वर्ल्ड के अंदर बहुत ज्यादा हुई थी, ज्वालामुखी प्रस्फोटन की प्रक्रियाएं विश्व में बहुत ज्यादा हुई थी, और साथ ही साथ इससे एसोसिएटेड, इससे जुड़े हुए एसिडिक रेन्स जो हैं वो भी बहुत ज्यादा होने की वजह से, आपके अम्लीय बरसात बहुत ज्यादा होने की वजह से, उसका जो डिस्ट्रक्शन है, नुकसान वहाँ पे मिलने वाले वनस्पति और एनिमल्स को हमें देखने के लिए मिलता है, जिस वजह से वो सब उस टाइम पे खत्म हो गए, एंड हो गए। इससे ही रिलेटेड एक हम ये कहते हैं एक पिक्चर देखेंगे, एक वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से इवन ओजोन का भी जो इफेक्ट है, ठीक है, वो भी हमें देखने के लिए मिलता है। ओजोन क्या है? ओजोन एक परत है, O3 होता है ओजोन का फॉर्मूला। O3 की एक परत हमें देखने के लिए मिलती है वातावरण के अंदर। ये परत बहुत महत्वपूर्ण है हम देखें तो पृथ्वी के लिए। क्यों ये परत महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये परत एक तरीके से हमारे पृथ्वी को चारों तरफ से सुरक्षित रखती है। किन से? सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेंट रेस है, पैरा जामिनी किरणें हैं, ठीक है, ये जो अल्ट्रा वायलेंट रेस हैं, ये ह्यूमन बीइंग्स को, इवन वेजिटेशन को, एनिमल्स को, उनको नुकसान पहुंचाती हैं, ठीक है, तो उनको रोकने का काम हमारी ये ओजोन परत करती है। तो आपके जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी से निकलने वाले एरोसोलिक जो गैसेस हैं, ठीक है, खास करके अगर क्लोरोफ्लोरो रिलेटेड गैसेस अगर होती हैं, तो वो इसको नुकसान पहुंचाती हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात हमने करी ली कि इससे निकलने वाली जो गैसेस हैं वो, उनके अंदर ये क्षमता है कि वो तापमान को अपने अंदर अवशोषित कर लेती हैं, खास करके कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इवन आपके वाटर वेपर्स हैं, ठीक है। हेज इफेक्ट की भी हमने बात करी, लीव ट्यूब्स हैं, फिशर्स हैं, प्रोक्लास्टिक फ्लोज हैं, इन सब की भी हमने बात कर ली है। तो ये मेजर एक जो इम्पैक्ट है हमें ज्वालामुखियों का देखने के लिए मिलता है। तो ये हमारा जो टॉपिक है, ये यहाँ पे एंड हो